सिंगरौली में एनटीपीसी विंध्याचल के अंबेडकर स्टेडियम में स्पोर्ट्स काउंसिल ने 7 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विंध्याचल के मुख्य प्रबंधक प्रचालन एवं अनुरक्षण ई सत्य फनी कुमार और रिहिंद प्रतियोगिता के मुख्य महाप्रबंधक एके चट्टोपाध्याय सहित अन्य लोग शामिल हुए। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन सिंगरौली में हुआ। प्रतियोगिता के उद्घाटन में आए हुए अतिथियों का पुष्प गुच्छों से स्वागत किया गया। इसके बाद अतिथियों ने ध्वजारोहण कर हवा में गुब्बारे छोड़े। महाप्रबंधक FTKK ने कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों और खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है, विंध्याचल को इस प्रतियोगिता की मेजबानी करने का मौका मिल रहा है। मैं सभी टीमों की प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। बता दें, प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच मेजबान विंध्याचल तथा टांडा टीम के बीच खेला गया, जिसमें विंध्याचल की टीम ने बल्लेबाजी करते हुए टांडा टीम को 159 रन का लक्ष्य दिया, लेकिन टांडा टीम 71 रन ही बना पाई, जिस वजह से यह मैच विंध्याचल टीम ने जीता। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।